आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से शुरू होने वाली दो मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम का चयन अखिल भारतीय चयन समिति ने किया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान KL राहुल और स्टैंड इन कैप्टन ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। आयरलैंड के दौरे के लिए चुनी गई इस टीम में बाकी वही नाम है जो मौजूदा T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं। हालांकि इसमें ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है क्योंकि वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच का हिस्सा होंगे। ऐसे में संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी को चुना गया है। इनके अलावा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव की वापसी हो गई है जो IPL 2022 के दौरान चोटिल हो गए थे। हार्दिक पांड्या को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है जबकि उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार होंगे। भुवनेश्वर कुमार सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और दिनेश कार्तिक भी सीनियर खिलाड़ियों में शामिल हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को इसलिए टीम का कप्तान बनाया गया है क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं और उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को IPL का खिताब भी जिताया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ कैसी है भारतीय टीम की स्क्वाड। हार्दिक पांड्या कप्तान, भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्जदीप सिंह और उमरान मलिक। तो दोस्तों ये हैं वो खिलाड़ी जो हमें आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे।